वेलकम स्टूडेंट्स, हम लोग आज फिर वाटर कलर में ड्राइंग करेंगे। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बेसिक ड्राइंग्स बताई थी, बेसिक शेड्स बताए थे, लेकिन आज हम लोग इसमें शेडिंग कवर करेंगे। लास्ट टाइम हमने सीनरी की थी जिसे हम लैंडस्केप भी बोलते हैं, और आज हम एक बर्ड की ड्राइंग करेंगे जिसमें कि आपको लाइट पेंसिल से ड्रॉ करनी है बर्ड्स को, डार्क पेंसिल नहीं चलानी, जो कि मैं बार बार आपको कहती हूँ। हल्के हाथों से लाइट पेंसिल चलानी है, क्योंकि हमारे जब लाइट शेड्स होते हैं कलर के तो हमारी जो पेंसिल होती है वो दिखती है, जिससे कि हमारी ड्राइंग रफ़ लगने लगती है। आपको हल्के हाथों से अपनी ड्राइंग को ड्रॉ करना है, ठीक है ना। और उसके बाद हम इसमें वाटर कलर फिल करेंगे। वाटर कलर आर्टिस्ट के भी आते हैं और स्टूडेंट्स वाटर कलर भी आते हैं, जो कैमलिन के, फेबर कैस्टल के, और आपको मोस्ट ऑफ हो तो आप कैमलिन के ही लो, क्योंकि कलर्स की क्वालिटी अच्छी होगी तो आप वर्क भी आपका अच्छा होगा। आपके ब्रश के पिक्सल्स सॉफ्ट होने चाहिए वाटर कलर में, ठीक है ना। अब सेम थिंग जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, मैंने ड्राॅइंग ड्रॉ कर ली है और ब्रश से आपके कलर्स को थोड़ा सा आपको गीला करना है, ठीक है ना। और उसके बाद आपकी जो पिक्चर है उस पर भी आपको लगाना है वाटर लगाना है। ज़्यादा वाटर नहीं लेना, हल्का सा सिर्फ पेपर गीला होना चाहिए हमारा, ताकि हम जो भी कलर्स उस पर डालें तो वो फटाफट फैल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं कलर, ठीक है। वाटर कलर मिक्स हो जाएंगे हमारे, क्योंकि वाटर कलर ट्रांसपेरेंट कलर होते हैं। वाटर डाल दिया, उसके बाद आपको जो रिक्वायर्ड है कलर वो आपको पहले लेयर टाइप लेना है। फर्स्ट लेयर एकदम लाइट लेना है, उसका जो बेस होता है वो लेना है, फिर उसके ऊपर और वन शेड करना है, थ्री शेड करना है, मतलब आपको धीरे एक साथ डार्क कलर नहीं करना है, आपको स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप उसको एक वन बाई वन शेड्स कम्प्लीट करने हैं, ठीक है ना। जैसे मैं लाइट शेड कर रही हूँ, उसके बाद भी ब्लू कलर की बर्ड है तो मैं इसके एक साथ ब्लू कलर नहीं करूँगी, पहले मैं इस पर लाइट ब्लू कलर का शेड दूंगी इसके ऊपर, इसका बेस बनाऊंगी, उसके बाद हम इसके ऊपर वर्क करेंगे और एक्स्ट्रा डार्क शेड करते रहेंगे। जैसे अब इसमें मैं ट्री भी बनाऊंगी तो ट्री में भी पहले काफ़ी कलर्स आएंगे, ब्राउन, येलो, ग्रीन, ब्राउन के भी एक दो शेड्स और एक्स्ट्रा शेड्स आएंगे, तो सबको स्टेप बाय स्टेप लेना है। और लास्ट टाइम जैसे मैंने कहा था आपको, इसमें डार्क शेड के लिए ब्लैक नहीं यूज़ करना है, डार्क कलर बनाएं। जैसे कि हमें डार्क ब्लू कलर करना है तो ब्लू कलर लेंगे, उसमें हल्का सा डार्क ग्रीन ऐड करेंगे, ब्राउन ऐड करेंगे तो ब्लू का डार्क शेड बन जाएगा, ठीक है ना। और ब्लैक स्टोन डालना है, जैसे ट्री में डालना हमें डार्क टोन, तो ब्राउन कलर लेंगे, उसमें थोड़ा डार्क ब्राउन के साथ डार्क ग्रीन, डार्क ब्लू, ये सब डार्क कलर्स जब हम मिक्स करेंगे ना तो हमारे और डार्क शेड बनेंगे। देखो बर्ड में जैसे लाइट कलर्स फील कर रही हूँ, उसी तरीके से आपको ये सारा वर्क करना है। अब इसको आप कंटिन्यूसली देखिए और अपना वर्क कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं।
हूँ।